दिस इज़ टा 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 टाइम। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी हो रही है पतंगबाजी? गर्मी अभी भी गई नहीं है, काफ़ी जगह बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी है। कोलकाता में विश्वकर्मा पूजा के टाइम भी काफ़ी बारिश हुई, बट लोगों ने फिर भी काफ़ी फ़न किया एंड वी आर हैप्पी टू नो कि काफ़ी पतंगबाजी हुई वहाँ पे और लोगों ने काफ़ी उसको इंजॉय भी किया। बाकी ओवरऑल सब जगह वही इशू रहा कि काफ़ी लोग चाइनीज उड़ा रहे हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है, सबको आगे आना ही पड़ेगा, तब जाके ही ये चाइनीज़ मांझा बैन होगा, एल्फ पतंगबाजी बैन हो जाएगी। बाकी देख लीजिए कब तक चाहते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये पतंगबाजी का शौक स्पॉट जो भी है आगे भी चलता रहे, तो वी हैव टू कम टुगेदर, राइट? हमको इकट्ठे आना ही पड़ेगा एंड हैव टू बाइकआउट चाइनीज़ मांझा। बाकी आप लोग हैं समझदार, आप लोग जानते इस चीज़ को कि क्या है क्या नहीं है, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। तो ओवरऑल अच्छी पतंगबाजी के लिए अच्छा मांझा होना चाहिए। और उसी तरह आज हम एक और 1-2-3 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें मांझा है मैदान का, आमिल का मांझा है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसकी खासियत, कितने का पड़ा हमको ये, कितने का होना चाहिए और कैसे रेंज के पेज के लिए बना हुआ मांझा है। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के ब्लॉग को। स्वागत है आपका अपने खुद के YouTube चैनल पे, जिसका नाम है पतंगबाजी विद सनी, जहाँ पे रिव्यूज़ होता है अच्छे मांझों का, अच्छी पतंगों का और डिस्कस होता है मांझ और पतंगों का, और चाइनीज़ मांझे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गाइस आज का जो मांझा है वो है अनस बिलाल, और कोई लोग इसको आमिल के नाम से भी जानते हैं, और ये भी बरेली के मांझा मेकर है और 1-2-3 की डोर पे लगाते हैं। इनके एक या दो ब्लॉक आते हैं, जिसमें से एक तो ये खाली काले रंग पे ही सूतते हैं, बाकी ये अगर आपको चाहिए कलरफुल तो वो कर देते हैं। तो जिसका आज हम करेंगे, ये इनका नॉर्मल ब्लॉक है ये, बट हमने सुतवा है काले रंग के ऊपर ही है दोस्तों। जो ये काले रंग के अंदर जो वो आती फिनिशिंग आती है, जो रहता है ना कि ओवरऑल नमी वमी को लेके, तो वो थोड़ा सा सही रहता है। और जब भी मेरा तो मानना ही है कि कलर की बजाय अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें तो चीज़ अच्छी मिलेगी, कई बार कलर की वजह से भी ना क्वालिटी हैम्पर कर जाती है। तो इनका ये 1-2-3 की डोर थी और काफ़ी मतलब पसंद आई थी जब हमने पहली बार इसको यूज़ किया था, और जब रेंज प्राइस सुना तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा था हमें। तो जल्दी से करते हैं अनरैप और करते हैं इसका रिव्यू, ताकि आप लोगों को दिखा सके ये मांझा। तो देयर वी गो, कुछ इस तरीके से आता, आप देख सकते हैं अनंत बिलाल का मांझा, तहलका इसका ब्लॉक है, फ़ोन नंबर आपके सामने। बड़ा सजेस्ट कि छोटे मेकर हैं ये भी, तो अगर आपके आसपास शॉप से मिल जाए ज़्यादा बेहतर, कि कई बार क्या होता है मेकर्स ना परेशान करते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इसलिए इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। तो आमिल के मांझे का रिव्यू है आज। ये देखिए चरखी निकल के आई है आपके सामने, मैंने बताया था आपको ब्लैक रंग लगवाया था, ये कुछ इस तरीके से चरखी देख सकते हैं। 1-2-3 की डोर है, मैदान पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार डोर है ये, और अपने जैसे भी मतलब अच्छे मतलब अगर मैं बात करूँ इस मांझे की, जो मुझे खासियत लगी थी जिसके लिए वापस से रीऑर्डर हुआ था, वो था कि इस प्राइस रेंज के अंदर इसके अंदर एक अच्छी स्मूथनेस और शार्पनेस का पेच दे रखा है। तो फंसा के लड़ाने वाले पेच अच्छे हैं, जो छोटी रेंज पे लड़ते हैं आपके 600-800 मीटर पे, वहाँ पे अच्छा काम करता है, अच्छे इसके आउटपुट आ जाते हैं। और बिल्कुल चिकनी डोर नहीं बोलूँगा, बट हाँ हल्की चिकनी है विद द काटा, जो काटा भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर। तो आपको पहले डोर दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको डोर का दर्शन करवाते हैं। थोड़ी सी डोर निकाली है, आप देख सकते हैं बारीक डोर है, और जिस रेंज में है ना उस रेंज में बहुत कम मिलती है और मोस्टली चढ़ा हुआ माल मिलता है, तो थोड़ा सा ये अच्छा लगा, बारीक डोर है और रखी हुई डोर भी है मेरे पास। तो काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुकी है और काफ़ी हद तक इसका मसाला बैठ चुका, देख सकते हैं ब्लैक रंग में बारीक डोर, और इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि स्मूथनेस और शार्पनेस का मतलब आप इसको जब आप करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा शार्पनेस फील नहीं होगी, बिकॉज कम्बिनेशन ऑफ स्मूथनेस और शार्पनेस है। तो ये एक कहते हैं ना कि मतलब एक अच्छा हुआ है, मतलब बिल्कुल चढ़ी हुई डोर भी नहीं है और बिल्कुल ऐसा नहीं कि चिकनी डोर है, तो आपको दोनों चीज़ इसमें फील होगी और एक अच्छी फीलिंग आएगी, मतलब जब इस पर आप हाथ फिराएंगे। और आप देखते हैं कि बारीक डोर तो ये वैसे भी है, तो और ओवरऑल अगर आप लड़ाते हैं 600-800 मीटर की रेंज में, तो आप उसके लिए इस डोर को बहुत कंसिडर कर सकते हैं। लखनऊ साइड में जो लखनऊ है हमारा, लखनऊ और इस साइड में मैंने सुना है कि इसका रेट 1500 के आसपास मिलती है, बारील ये 1500 के आसपास आती है, बट अपने को ये पड़ी थी 1650 की। वो डिपेंड, देखो दिल्ली का रेट अलग हो जाता है, तो अगर मैं बात करूँ तो 1500-1600 की रेंज के अंदर बहुत ही मतलब कहते ना इम्तियाज़, अजीम इम्तियाजी के बाद मुझे ये डोर काफ़ी समझ में आई थी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिली थी इसके रेंज के अंदर मुझे।
तो एक ओवरऑल 1500 से लेके 1650 के अंदर बहुत ही अच्छी डोर लगी है, और एक अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है शार्पनेस एंड स्मूथनेस का इनके अंदर, जो एक समझ में आने वाली चीज़ है, मतलब इससे बेटर थिंग। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल यूज़ कीजिए, देखिए बारीक कितनी है, और छोटी रेंज के अंदर बहुत ही बढ़िया डोर है दोस्तों। आपको पसंद आएगी जब इसको उड़ाएंगे आप, तो एक मज़ेदार डोर है। और प्राइस रेंज भी, जैसे आप लोगों ने कहा था कि सस्ती डोर का भी रिव्यू कीजिए जो अच्छी डोर हो, तो आई बिलीव 1500-1600 की रेंज के अंदर एक अच्छी डोर है। अजीम इम्तियाजी की डोर होगी, अमिल की डोर होगी, दीज आर अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो एक ओवरऑल रिव्यू, कम प्राइस में अच्छी डोर, अच्छे रिजल्ट हैं इसके, चीज़ भी अच्छी है, क्वालिटी भी आपको समझ में आने वाली चीज़ है ये। और अच्छी बात है कि इस रेंज में जब अच्छी चीज़ मिल जाती ना, कि कई कई बार होता है कि बहुत चढ़ी डोर मिलती है, छोटी रेंज मतलब 600-700 मीटर पे होता है, और फंसने के मामले की नहीं होती, वो खींचने के मामले की होती है। बट इस रेंज में भी आपको एक फंसने वाली डोर मिल जाए जो फंसा के लड़ाने वाले काम आए, तो वो क्या चाहिए आपको? तो उसके लिए आप आमिल की डोर पर आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत बारीक डोर लगा रखी है, और एक अच्छा कम्बिनेशन है स्मूथनेस और शार्पनेस के अंदर, मतलब काटा वाटा बहुत अच्छा दे रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि ओवरऑल आप इसको लंबा, कोई केमिकल यूज़ नहीं है इसके अंदर, बात हुई थी हमारी मेकर से भी, बात हुई थी हमारी, कोई केमिकल यूज़ नहीं है, तो यू कैन कीप दिस एज लॉन्ग एज यू कैन, लाइक 4 से 5 साल तक आप इसको लेके चलिए। तो एक मांझे की लाइफ इतनी होती है, बट ओवरऑल जैसे मेरे पास भी मांझा हाथ मार के 1.5 से 2 साल का जब होता है ना, 1.5 से 2 साल, तो मैं उसी मांझे को उड़ा के जल्दी से जल्दी ख़त्म करता हूँ, ताकि फिर नया स्ट्रोक पुराना होता है, पुराने स्ट्रोक को निकलता जाए। इससे क्या है ना कि टेंशन नहीं रहती, कभी कल 3 साल के बाद हैम्पर खत्म हो जाए, टेम्पोरा बोलो पैसा लगाया था। तो मेरा मानना है कि 1.5 से 2 साल के अंदर मांझे को यूज़ कर लेना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कब तक रख सकते हैं, रखने को देखो एज पर कारीगर जो बोलते हो, जो मुझे मेरे पास मांझे पड़े भी है 4 साढ़े 4 साल तक के, तो वो अच्छे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। बट आई सजेस्ट कि 1.5 से 2 साल 2.5 साल तक आप मांझे को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास भी 2-2.5 चरखी हैं, पर ये नहीं है कि सब मैंने बिल्कुल, जो पुरानी होते हैं जिसमें जिनका टाइम हो, जैसे अब 2019 की चरखी है, 2018 की चरखी है, मैं उन्हें ख़त्म कर रहा हूँ, मोस्टली वही उड़ा रहा हूँ, ताकि जल्दी ख़त्म करके उनको वापस ऑर्डर करके उनको अगले 2 साल के लिए पका सकूँ। तो रखा हुआ मांझा बेशक से अच्छा होता है, बट अगेन कि अगर आप बोलो कि मेरे से बोलो कि कितना, काफ़ी क्वेश्चन अभी आए हैं मेरे पास, तो अपना मानना वही है कि भैया 1.5 से 2 साल में आप चरखी ख़त्म कर दीजिए, बहुत बेस्ट है। रखी हुई है, संभाल के रखी हुई, जैसे मेरे पास भी रखी हुई है, भाई किसी का रखा हुआ है, 1.5 से 4 साल पुराना, बहुत ही बढ़िया लड़ रहा है, वो भी कमी कुछ नहीं है, बट वही है कि यार काहे रिस्क लेना, मेरा मानना ये है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे अपना रिव्यू ख़त्म करते हैं। ओवरऑल रिव्यू आपके लिए यही बोलूँगा कि सस्ते में बहुत ही बढ़िया डोर, फंस के और खींच के दोनों तरीके से, मेन फंसना होता तो फंसाने वाली कैपेसिटी है इस मांझे के अंदर, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ट्राई करना हो। ओवरऑल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी लाएंगे नया रिव्यू, तब तक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके गाइस, थैंक यू।